मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ रहे। इतना प्यार कौन करता है। बाइबल का बेहतरीन वचन जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने अकलौते इकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसके बदले में हमको सिर्फ प्यार करना है। प्रेयर काफी नहीं है, प्यार करना है। जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करोगे ना, यीशु से प्यार करोगे, परमेश्वर से प्यार करोगे, तो आप चमत्कार ही चमत्कार देखोगे। ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। खड़े खड़े मुर्दे उठाओगे, मर गया ए उठ रहे, चल इन द नेम ऑफ जीसस, मुर्दे उठ गए। प्यार कीजिए, प्यार परमेश्वर से प्यार। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो गलत काम नहीं करेगा, वो उनकी बातों को फॉलो करेगा। तो प्यार, प्रेयर, प्रेयर नहीं किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, मैं प्रेयर करके बात करता। प्यार कीजिए और फिर चमत्कार देखिए, प्यार कीजिए और चमत्कार देखिए। मेरा ऑर्गेनाइजर जो मेरा 35 साल से शो करता है, इजिप्ट में शो था, शो के बाद वो आ गया, उसका बेटा 5 साल से कोमा में था, जे अब्बास, मेरा ऑर्गेनाइजर जे अब्बास, उनका नाम है अब्बास भाई, उनका बेटा 5 साल से कोमा में था, दुनिया भर का डॉक्टर ये वो सब हो गया, 5 साल से कोमा, हम लोग प्रे करते थे उसके लिए, 5 साल से कोमा में था। इजिप्ट में मैं गया, मेरे को बोला जॉनी भाई अब इजिप्ट में मुझे सिनाय पर्वत जाना था, माउंट सिनाय, और फिर इजिप्ट में जहां जहां मदर मेरी जब जीसस छोटे थे उनको लेकर जहां जहां रही उन जगहों पे भी मुझे जाना था, 2-3 जगह पे खास जगह थे वहां जाना था मुझे। मैं वहां गया, एक जगह मैं गया, मगर अब्बास भाई ने कहा जॉनी भाई आप जा रहे हैं प्लीज मेरे ईशान के लिए प्रार्थना करना, प्लीज प्रे करना। बोले जरूर करूंगा मैं, जरूर जरूर जरूर। मैं गया उधर, ऐसे ही घर से घूमते घूमते मेरी वाइफ मेरे बच्चे चारों गए हम लोग। एक जगह जहां प्रभु छोटे थे 4 साल के, वहां एक बावड़ी है जहां पर मदर मेरी कपड़े धोती थी और जीसस को वहां नहलाती थी, वो जगह, और जीसस वहां छोटा सा झाड़ है, एक झाड़ थे वहां पे 5-6 झाड़, तो एक झाड़, वो झाड़ पूरा सूखा हुआ है, एकदम सूख गया है, लेकिन वो झाड़ पे जीसस खेलते थे, वहां पर बैठते थे, खेलते थे, वो सब वो जगह सब बना के रखा उन्होंने। मैं वहां गया तो मुझे एक वाइब्रेशन आया, तो मैं बीवी मेरे बच्चे ऐसे हाथ ऊपर करके अब्बास भाई के बेटे के लिए मैंने प्रेयर किया जो 5 साल से कोमा में था, 5 साल से कोमा में, एक ही जगह पे था, एक ही स्थल पे, ऐसे ही आंख ऊपर करके देखता था, कुछ नहीं, किसी को बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं करता था, कुछ नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, बड़ी गवाही है, बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। हम चारों ने मिलकर ऐसे हाथ उठा के दुआ की, मैंने कहा प्रभु अब्बास भाई ने कहा है और उसके बेटे के लिए, प्लीज आप उस पर रहम कीजिए, उस पर कृपा कीजिए, उसको ठीक कीजिए, शिफा दीजिए। इस तरह मैंने प्रेयर किया। उसके बाद शाम को मैंने ऐसे बाद में मैंने फोन लगाया, मतलब बस भाई मैंने आपके बेटे के लिए दुआ किया पक्का। रो रहे क्यों? अरे क्या हुआ? मैं बच्चा टपक गया कि क्या है? अब्बास भाई क्या हुआ? जॉनी भाई आपकी दुआ कबूल हो गई, वो लड़का, मेरा लड़का बात करने लगा है, वो सबको नाम से बुला रहा है, सबको नाम से बुला रहा है, और उसने बोला अंकल मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मैं दुआ कर रहा हूं, इसको कैसे मालूम है? 5 साल से कोमा में, ये कोमा से निकल के बोल रहा है अंकल मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, इसमें दिखा सकते आप? वीडियो दिखा सकते, इसमें दिखा सकते, इसमें प्रेज द लॉर्ड। दिनेश पास्टर को भी बोला बस भाई वाह या। तो देखिए बड़ी बात है कि 5 साल से वो कोमा में था, 5 साल से कोमा में था, और कोमा में है था वो, और वो पहचान रहा लोगों को, वो सबको नाम से बुला रहा है, 5 साल तक बात नहीं किया उसने, और ये कह रहा अंकल मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। और जो अपनी जीवन से जो बिकर टोटली पैरालिसिस हो गया था ना, ये अंकल क्या करते हैं? दुआ करते हैं। क्या मैसेज देना अंकल? अंकल का नाम?
जानी लीवर। 5 साल के बाद इसने मुंह खोला। हालेलुया। तो दोस्तों